हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अपने अपने ज़िंदगी में खुश होंगे। तो सुबह का हो चुका है, हम लोग कब का उठ चुके हुए हैं और भाभी भी स्कूल जा चुका है। तो अब हम चल अब खाना पीना खाएंगे, खाना खा के इस ऑफिस की तरफ चलते हैं। और एक्चुअली आपको एक चीज़ और दिखाएंगे कि मेरे घर घर के बगल में जो पेड़ है वहाँ पर इस पेड़ पीपल के पेड़ में एक मधुमक्खी है। देखिए कितना बड़ा मधुमक्खी का छत लगा हुआ है, जो कि पिछला बार मेरे बेटी को काट लिया था। वो जो एक मधु है मधुमक्खी तो रोई थी, फिर शांत हो गई। आइए दिखाते हैं। देखिए दोस्तों, मधुमक्खी का छत है यहाँ पे, जो पीपल का पेड़ में लगा हुआ है, बहुत ही बड़ा है। जो कि मधुमक्खी जो है यहाँ से रात को यहाँ से उड़ते हुए ये जो विंडो है इसका अंदर चलाती है, जो कि मेरा घर के अंदर ढोकने कारण से बच्चा लोगों का कभी कल काट लिया जाता है। तो जैसे कि पिछला बार मेरा बेटी को काट लिया था, देख रहे कितना बड़ा आया है। तो समझिए कि इसका ठीक विंडो के बगल में इसका क्या हाल होगा रात में। दोस्तों हम खाना पीना खा चुके हैं, मम्मी खाना बनाई थी, जैसे कि दाल भात सब्जी। खाना मेरा कंप्लीट हो गया, खाना खा पी लिया है, हम ऑफिस जाने के लिए रेडी भी हो चुके हैं। अब ऑफिस के लिए हम जा रहे हैं। अब मम्मी थोड़ा बाहर में काम कर रही है, अब हम बैग तो घर से निकल रहे हैं दोस्तों। अब चलते हैं यहाँ से जूता पहन के बाहर, देखते हैं बाहर में क्या हो रहा है, आपको कैसा शेयर करेंगे। हम जा रहे हैं ऑफिस के तरफ। अरे सोच रहा हूँ कि बैंक गए बहुत दिन हो गए, तो जाते हैं आज बैंक के अंदर, देखते हैं क्या हो रहा है। अब बैंक में कुछ काम है जिसका इधर ऑफिस की तरफ चलते हैं। अब बैंक में काम हो करके निकल के आपको दिखाते हैं का दुकान है। देखिए दोस्तों, मेरा दोस्त का दुकान है, सत्तू का दुकान। देखिए सत्तू बिक्री कर रहा है, हम लोग प्यार से इसको गुप्ता जी बोलते हैं, क्योंकि एक्चुअली वो गुप्ता का ही लायक है। कितना बजे सबको उठता है सुबह बोलते थोड़ा, वो है गुप्ता। देखिए क्या क्या बना रखा है, सत्तू है, सतुंदर कंपनी का सत्तू है, सत्तू बना रहा है, कस्टमर को पिला रहा है। इधर देखिए वो भी ब्लॉग बना रहा है। क्या देखिए मिर्ची, मिर्ची काट रहा, देखिए। हेलो, अरे एक काम चुतिया ना है। एक कस्टमर को सत्तू पिला रहा है, डाल दूंगा खिलाने रहा है। देखिए हमारा सुबोध है, वो बिहार का रहने वाला है। ब्रांड क्या है? ब्रांड स्त्री लग जब क्या देता है, बोलता है क्या एक बार आना फुर्सत। देखिए क्या बोल रहा है तू, क्योंकि वो अभी काम तो करता नहीं है, सारा दिन इसी तरह घूमता रहता है, बोलता है ब्रांड। देखिए जिंदगी इसीलिए तो आदमी खुशी रहना चाहिए। पूरी टका खुशी कहाँ यार, 10 टका सब चलेगा कम दोस्तों। ऑफिस तक ऑफिस का अंदर चलता है, ऑफिस में क्या काम होगा देखते हैं, शाम को बड़ा मिलते हैं। दोस्तों हम ऑफिस से बाहर निकल चुके हैं और सियाला की तरफ आ चुके हुए हैं, वहाँ से ऑटो पकड़ेंगे, ऑटो पकड़ के चलते हैं कि मेरा कहाँ कोई इंतज़ार कर रही है। चलिए दिखाते हैं कौन इंतज़ार कर रही है। इधर देखिए आप पापड़ बन रहे हैं, चलिए चलते हैं वहाँ पे, मेरा कौन इंतज़ार कर रहे हैं। अब ऑटो लेंगे यहाँ से, ऑटो पकड़ के निकलते हैं। देखिए दोस्तों ऑटो पे बैठ चुके हुए हैं और चल रहे हैं, चलिए दिखाते हैं तो वहाँ पे क्या हो रहा, कौन इंतजार कर रही है। अब इसी तरह वीडियो बने रहे, हम लोग प्रोसीजर है। ऑटो से उतर चुके हुए हैं, अब चल रहे हैं। एक्चुअली हम अभी खाना में देख रहे, खाना का मार्केट है सब, और ऑटो से उतर के आगे चलते हैं, दिखाते हैं कौन मेरा इंतज़ार कर रही है।
आइए दिखाते हैं कौन इधर कर रही है यार। एक्चुअली देखिए खाना पूरा मार्केट है, भीड़ भड़ा का इधर का रास्ता पूरा जाम है। देखे दोस्तों दुर्गा पूजा का अभी से भी होना चालू हो गया, ये सब मतलब बड़ा पोस्टर लग गया हुआ है, रास्ता जाम हो चुका है क्योंकि गली गली में पंडाल बन चुका है। अब कुछ दिन के बाद उद्घाटन हो ही जाएगा। लाइटिंग वाइटिंग सब सज चुका है, आराम वाला फुटपाथ में कपड़ा मिलेगा आपका। चलिए दोस्तों देखते हैं कि हमारे इंतजार कौन कर रहा है। आप देख रहे हैं पीछे बस लगा हुआ है, राजा बस है जो झारखंड निकलेगी, तो देखते हैं आइए कौन इंतजार कर रहा है आपको। चलिए देखते हैं, तो आप ज़रूर पहचान सकते हैं कि पिछले वीडियो ब्लॉग वीडियो देखे होंगे। तो देखो राजा बस है जो झारखंड की तरफ निकल झारखंड जाती है, कलकत्ता टू झारखंड। देखिए आप जरूर इसको पहचानते हैं। देखिए आपको क्या लग रहा है, गांव जा रही नहीं, एक्चुअली उसका गांव नहीं जा रही है, वो इसका रूपी का नानी है, वो दादी है, वो सब गांव जा रही है। झारखंड का बस है, देखिए ये बस खाना से खुलती है, खाना से निकल के सारे बर्धमान दुर्गा पे आसनसोल होते हुए निकलेगी आपका बस। तो देख पूछेंगे रूबी को क्या क्या शॉपिंग की, कैसा लगा आपको यहाँ पे दादी का घर पर आकर। देखिए खुद के कितना खुश हो रही है, ये बहुत दिन का बात देखी ना इसीलिए, क्योंकि अपना यहाँ दादी घर पर आकर शॉपिंग की। अब देखते हैं क्या क्या शॉपिंग की, वो सब घर पर दिखते हैं। तो चलिए आप घर पर ही जाकर मिलते हैं आपसे। देखिए लोग का टिकट मिल चुका है, टिकट काउंट हो रहा है, ये लोग सब एजेंटों के बैठे हुए हैं। आगे थोड़ा देख लेते हैं बस के इंटीरियर कैसे है। नीचे का सीट है वो स्लीपर है लेकिन नॉन एसी है, चलिए कोई बात नहीं, झारखंड का बस है। देखिए सब इधर डबल साइड, इधर डबल है स्लीपर। दो देखे दोस्तों, आप देख रहे हैं स्लीपर सीट, एक स्लीपर में दो जन रहता है और यहाँ से निकलेगी, ये आपका ड्राइवर का बस है। चलिए आप चलते हैं घर। देखिए ये लोग अपना अपना सीट ढूंढने के लिए जा रही है, रूबी का दादी है, रूबी का नानी है। क्या भीड़ है बस, देखे दोस्तों अगर बस में कौन साइकिल लेके जा रहा है। वैसे तो इंसान को खड़ा होने का जगह नहीं, फिर भी बस में साइकिल आखिर में जाना हो। देखिए बच्चा रो रहा है, बाबू रो क्यों रहा है तू, बाबू रो क्यों रहा है। देख तू शायद बच्चा को गर्मी लग रहा है इसीलिए रो रहा है। और इधर देखिए इधर सीट मिल गया, सीट अपना सीट में बैग भी रख दी। दादी कुछ बोलना चाहेंगे आप, अब गाँव जा रहे सो। देखिए दादी यहाँ पर आए थे कलकत्ता कुछ काम के लिए, काम हो गया अब गांव की तरफ जा रही है। सब दादी को यहीं पर बोलते हैं बाय बाय दादी, अब मिलते हैं बाद में, अब एक ही बार मिलेंगे गांव में, ठीक बाय बाय बोलिए। देखिए दोस्तों सब मेट्रो के अंदर आ चुका है और मेट्रो के अंदर बैठ भी चुके हैं और चलते हैं घर की तरफ। खुश के देखे कितना खुश हो रही, तब हम लोग नहा धो के फ्रेश हो चुके हैं दोस्तों, अब घर के अंदर हैं। तो देखिए मम्मी यहाँ बैठी हुई है, देखा रुकिए, अरे मैया देखिए इधर फुचकी खेल रही है, इधर बाबू देखिए, ए बाबू क्या कर रहा है, ब्रश कर रहा है अभी। देखिए देखते हैं अब क्या क्या खाना बनाई है।
वही सब खाना खा पी के सोते हैं। तब तो देखते हैं रूपी क्या क्या लाई है, शॉपिंग की है, थोड़ा मोड़ा जो है अभी सबसे सब शेयर कर देते हैं, आगे दिखाते हैं। दिखाइए रूपी क्या क्या लाए। देखिए एक साड़ी लाई है, चप्पल है चप्पल है कुछ की। तीन दिना बाजार ये सब के लागे चल रहा है। मम्मी बोल रही है कि यही सब खरीदने के लिए तीन दिन बाजार में लग गया, क्योंकि भीड़ भड़ा का होने कारण से इतनी जल्दी तो खरीदा नहीं जाता है, तो समय देकर खरीदना पड़ेगा। देखिए देखो बंदर क्या है कि देखो है, देखो लड़की का नथनी के लागे, नथनी के के लिए नथनी को देखो, यहां लगाएगा यहां लगाएगा कुछ भी ऐसे लगा। देखिए चप्पल से खेल रहे पापा बांधेगा कुछ भी ऐसे ऐसे। देखो देखो कुछ की क्या देखा कुछ की ऐसा लगता है ना बाबू। देखो देखे फुसकी का कपड़ा अच्छा लगता है, कैसा है कपड़ा थोड़ा कमेंट का बता दीजिएगा कि फुसकी का कपड़ा है। बाबू का भी कपड़ा नहीं खरीदा, खरीदेंगे बाद में। और अच्छा नमस्कार बाबू का कपड़ा ला देंगे बहुत जल्द ना बाबू। तब दोस्तों आज का ब्लॉग वीडियो आज हम यहीं पर खत्म करते हैं। अब अगला नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तो आप लोग को ये वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और एक शेयर कर दीजिएगा। तो देख मम्मी जो खाना बनाई वही खाना पीना खा पी के सोएंगे, क्योंकि बहुत टायर्ड हो चुका हूँ। देखिए रूबी, चलिए बाय बाय।